तुम्हारे दुख दूर करने वाला जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ, तो क्यों तुम्हें आंसू पोंछने के लिए रुमाल चाहिए, या फिर किसी का कंधा, किसी का साथ चाहिए? बोलो ना, मैं साक्षात तो हूँ तुम्हारे साथ। जो तुमने वो अनुभूतियाँ महसूस की थी ना, वो मैं ही तो था। सब महसूस करके फिर से वहीं के वहीं आ जाते हो। अब आगे बढ़ो। और तुम जो ये बेफिजूल के सपने देख रहे हो ना, ये बेफिजूल नहीं है। कई बार तुम डर कर जो उठ जाते हो, बस स्वप्न के माध्यम से ही तुम्हारे कष्टों को काट रहा हूँ। वो चीजें वास्तविकता में घटित होने वाली थी, पर अब वो वास्तविकता में घटित नहीं होंगी। जो इस बार तुम्हें अद्भुत शक्ति मिली है ना, जो तुमसे पूजा पाठ करवा रही है, ये शक्ति तुम्हें मैं ही दे रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा पूजा पाठ ना बेहद जरूरी है। मेरे वो बच्चे जो इस वक्त जगह के मामले में मुझसे बहुत दूर रहते हैं, ओसो दूर, कुछ बच्चे तो समुद्र पार करके दूर रहते हैं और मुझे याद कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने ये तक सोच लिया कि शायद इस जीवन में एक बार और शिरडी जा पाऊंगा या नहीं। तुम सब तड़प रहे हो ना मेरे शिरडी आने के लिए। तुम्हें मेरे दर्शन ऐसी जगह पर होंगे जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसे तरीके से होंगे जिस बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। रही शिरडी आने की बात, तो बोलो कब आना है तुम्हें। बैठो मेरे सामने, बोलो, और फिर देखो तुम्हारे परिवार वालों का मन बदलेगा, तुम्हारे दफ्तर वालों का भी मन बदलेगा। खींच लूंगा तुम्हें शिरडी की तरफ, पर तुम सिर्फ मुझसे कहना, और ये बात किसी से कहने मत जाना। सब कुछ सही करते हो, पर यदि तुम थोड़ा और समय दोगे ना, तभी तुम अपने काम में निपुण बन पाओगे, सब कुछ तुरंत समझ जाओगे। तुम अन्य लोगों जैसे नहीं हो, ऐसे बार बार एक ही चीज समझाया जाए तभी समझ में आए। तुम तो बुद्धिमान भी हो, बस बात इतनी सी है कि आलस का त्याग करो और अपने काम में पक्के बनो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुमने जिस लिए जिस मंत्र का जाप किया है, वो आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया है। महसूस करो, तुम जल्दी समझ जाओगी।